शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था। ठीक है सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। गलत नहीं है सर। दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए स्पीकर सर, देखिए राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहां सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको
ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय।